सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अब अपने सहयोगियों में जो कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं सोचती हूँ कि आँख लोगों की कमज़ोर है यहाँ, और मैं देखती रही कि बहुत लोगों की आँख यहाँ कमज़ोर है, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए आप लोग एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, फ़ोटो के सामने में लाइट रखने की, और किसी उम्र के बाद तो आँख ज़रा कम हो जाती है, पर तो भी उसको ताकत देने के लिए कि उससे ज़्यादा ना ख़राब हो, तो एक लाइट आगे की ओर रखने की फ़ोटो के सामने, और एक लाइट हाथ में किसी भी कैंडल स्टैंड में ले करके, और पीछे की साइड में यहाँ पर पीछे की आज्ञा पर ऐसे ऐसे जैसे आरती उतारते हैं, इस तरह से आरती उतारते हैं। एक जो सामने बैठे हैं वो तो अपना राइट हैंड फोटो की तरफ में और लेफ्ट हैंड ऐसा करके बैठे, और पीछे में उनकी आरती इस तरह से उतारते हैं, और उनको चाहिए कि जब वो आरती हो जाए तो फिर नीचे बैठ करके लाइट के सामने हाथ रखें और राइट हैंड ज़मीन। लेकिन यहाँ वाइब्रेटेड पानी आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेटेड शुगर है उसको मिला करके और घोल के चम्मच से, और दो बूंद आँख में डाल लें, चाहे गुलाब जल में मिला लीजिए। गुलाब जल में वो पानी और शुगर मिला के और आँख में डालने का, और थोड़ी देर आँख बंद करके, जब उसका पानी निकल जाए तो ठीक है। और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी के जगह शहद, चीनी अभी करिए, शहद दे देंगे तो शहद वाइब्रेट कर देंगे, शहद आँख में लगा लें और गुलाब जल में पानी डाल के आँख में छोड़ देने से वो धुल जाएगी आँख से। थोड़ी देर शहद लगा के छोड़ दिया, आँख से पानी निकल जाएगा, फिर गुलाब जल में पानी डाल के उससे आँख धोना चाहिए, आँख की रोशनी ठीक होती जाएगी। लेकिन अगर एज ज़्यादा है आपकी, और अगर 50 साल के बाद सिर्फ ये होता है कि जैसी आँख है उतनी रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, कम से कम इतना होगा। और ये कमज़ोरी आती है मछली खाने से, बहुत मछली खाते हैं, उसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस खाने से वो फास्फोरस हमारे यहाँ बर्न कर जाता है, और इसकी वजह से ये तकलीफ होती है आँख। तो मछली कुछ कम खाएं, मुश्किल है बंगाली लोग के लिए। हाँ, कभी भी करिए, सवेरे करिए, सोने से पहले करिए, दो मरतबा करें तो अच्छा है शुरू में। और जिनकी आंखें अच्छी हैं वो भी करें, तो उनकी आंख ख़राब नहीं होगी जल्दी। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़, हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके, और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए, और उसको नाक में दो बूंद ज़रूर डालना चाहिए, उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी, खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है, उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तीसरे, मैं देखती हूँ लोगों में खांसी बहुत आती है, पूरे समय खांसते रहते हैं, क्योंकि धूल की भी, यहाँ धूल की वजह से यहाँ के धूल में एलर्जीज है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप श्री कृष्ण का नाम लेकर के हाथ में थोड़ा सा मक्खन, इस उंगली में थोड़ा सा मक्खन लेकर के अंगूठे में, और नमक लेकर के मुंह में अंदर ले जाके, वहाँ एक परजीव होती है, उसको छूने का और उसको दबाने का, उससे ऐसे 3 बार करना चाहिए, उससे खांसी बंद हो जाएगी, और
एक चीज़ जिसे यहाँ पीपली लेंडी पीपली कहते हैं, पता नहीं आप जानते होंगे, छोटी छोटी, उसको मुंह में रखने जब तक खांसी आती, और फिर उसको फेंक देने का, उसको मुंह में सिर्फ रखने का और उसको फेंक देने का, उसको खाने का, क्योंकि वो बहुत तुर्श होती लेंडी पीपली, लेंडी पीपली, लेंडी पीपली जो छोटी होती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं, पतली, लॉन्ग से बड़ी होती है।